पायल जी एक साथ में पायल जी हाँ बोला ना कहाँ गया महादेव आप सब के लिए मिठाई लेके आए हैं। मुबारक हो शादी। भाई जी मुबारक। ये बाकी सब यहाँ पे रिसेप्शन रखेंगे ना, आप सब कब भी बुलाना। ठीक है। कभी रिसेप्शन सब मिठाई खाना। भाई जी कभी बताएंगे आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। काफी दिनों के बाद रखिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अच्छा ऑर्गेनाइज करते नहीं है कुछ भी। अच्छा बड़ा रखिए। ग्रैंड दिल्ली का भी अच्छा था। दिल्ली का अच्छा था। अहमदाबाद का देखा था। देखो जो शादी तो कर ली मगर जिस भी शहर में जा रहे हैं ना रिसेप्शन रखना पड़ रहा है। अच्छी बात है। वो थोड़ा सा जो जिसकी प्लानिंग संग्राम जी नहीं करते, सारी प्लानिंग मुझे करनी पड़ती है। तो मैं आपको जल्द सब लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सारे गेस्ट में ही कॉन्टेक्ट करता हूँ। प्लानिंग अभी आपको सब करना पड़ेगा। अच्छी बात है ना। बाकी हमारी फ्लाइट थोड़ी डिले हुई थी। हाँ बताए पीछे लोग तो आप सबके लिए स्पेशल काजू कतली लेके आए। मैंने पहले ही बोला था, कोई पूछा था कुछ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं मैम? लगता हमारे लिए कुछ लेट हुआ है। इसने गेस किया था। नहीं ऐसा नहीं है, मैं पूरा प्लानिंग करके लाती हूँ। बट द होल थिंग इज वो रिसेप्शन पे करेंगे। अच्छा मैम कैमरा के सामने पकड़ना। क्योंकि अगर पायल के आदमी को सामान रहेगा ना तो फिर पायल का दिमाग सही चलेगा। अच्छा तो भाई क्या सरप्राइज है पायल मैम के लिए? पायल के लिए तो बहुत सरप्राइज है। सबसे बड़ा सरप्राइज देखो मैंने जो बोला था 21 जुलाई को और मैंने इससे पहले ही शादी कर ली है ना मेरे। ये बड़ा सरप्राइज है ना। शादी कर ली जहाँ जा रहे रिसेप्शन हो रहा है। अब सबसे बड़ा सरप्राइज तो हरियाणा में मिलेगा। वहाँ पे कम से कम 5 से 6 हज़ार इंसान का रिसेप्शन होगा। क्या बात है। पूरा गांव पूरा सारे वो फोटो कर लेते हैं साथ में। क्या सेंटर बोता भी सेंटर वेट होल्ड आएंगे आप बुलाएंगे तो जरूर आएंगे ना। हरदम बुलाती हूँ। अच्छा रिसेप्शन रखेंगे और यही सोच रहे कि यहीं पे रखेंगे। रिसेप्शन पे मैं सबको इनवाइट करूं। दिल्ली में नहीं है, यहाँ पे हम मजा कर रहे हैं। अच्छा लगेगा। ये बॉम्बे है, ये दिल्ली अहमदाबाद नहीं है, ये बॉम्बे है। बॉम्बे वाले नाराज हो जाएंगे। नहीं रखेंगे। बॉम्बे में तो ढंग से करना है। बॉम्बे में तो मतलब टेंशन मत ले। वर्क एरिया सब लोग यहाँ से बेस्ड है। बढ़ता गया। पायल जी एक जरा क्वेश्चन था हटके। हाँ विक्रम कहाँ हो? अभी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी हलचल हो गए रणवीर सिंह के फोटो को लेके। किसकी फोटो? रणवीर सिंह जो फोटो डाले थे उनके FIR भी हुआ है। बहुत लोगों ने नापसंद पसंद किया है। तो आपका क्या टेक रहेगा उसके? कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो संग्राम जी इस पे कमेंट नहीं करेंगे। इसलिए आपसे मुझे मैं खाली बोलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अभी तक मैंने उनका FIR का सेक्शंस नहीं पढ़ा कि वॉज इट यू नो वायलेटिंग द मॉडेस्टी एंड बिकॉज मैं अपनी शादी में बिजी थी एंड आई वॉज प्लानिंग द रिसेप्शन एंड एवरीथिंग। बट रणवीर सिंह इज़ अ वेरी वेरी सॉर्टेड ह्यूमन बीइंग। वो एक बैलेंस्ड इंसान है। अगर अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्होंने एक फ़ोटोशूट किया है तो आई थिंक वो फ़ोटोशूट को फ़ोटोशूट की तरह ही एड्रेस करना चाहिए। अगर उसका एक नैरेटिव बन जाता है जो नैरेटिव उनको एक लीगल केस में फंसा देता है। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए और वो तो अलग हो जाएगा। हाँ सो इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सो अगर उनका प्रोफेशनल एक्ट उनको एक लीगल हैसल में फंसा देता है, क्योंकि भारत के अंदर जो लीगल प्रोसीजर्स हैं जिस प्रकार से IPC के सेक्शंस लगते हैं, IT एक्ट के सेक्शन लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आई थिंक IT एक्ट लगा है। आई हैवंट रेड एग्जैक्टली द सेक्शंस पुट ऑन इट।
आई थिंक वी नीड टू फिगर दिस आउट, बिकॉज जब केस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर अभी भी दो केस हैं, पासपोर्ट अटक जाता है, द लीगल प्रोसेस इज सो लेंथी, सो टीडियस. भारत के अंदर द लीगल प्रोसेस सिंपल नहीं है, ना आपके लिए, कोई आम आदमी के लिए, ना कोई सेलिब्रिटी के लिए या पब्लिक फिगर के लिए. तो इट इज़ रियली रियली सैड कि ऐसी चीज़ों को इतना बड़ा बना दिया जाता है. हमारे देश के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, महंगाई हो या कुछ रेप हुआ, कुछ नहीं या रेप हुआ, मर्डर हुआ, यू नो, थेफ्ट हुआ, देयर आर लॉट ऑफ सीरियस इश्यूज दैट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, बट वी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. सो फॉर मी आई फील इट इज़ रॉन्ग, बट लॉ इज़ लॉ, ही हैज़ टू फाइट इट अकॉर्डिंग टू द लॉ. जो भी कोई स्टार है, चाहे स्पोर्ट्स है या फिल्म स्टार है, उसको पब्लिक को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. जो फेमस पर्सन है उसको अच्छा मैसेज देना चाहिए. तो उनकी अगर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल शूट है, तो वो उनका प्रोफेशनल शूट है. नहीं, ये गलत है. वैसे गलत है तो फिर पेटा के लिए भी बहुत सारे लोगों ने किया है. हाँ, तो वो किया तो किया है, अगर ये मेरे हिसाब से रणवीर सिंह ने कोई करना चाहिए, बड़ा स्टार है, बड़ा खिचड़ी का, उसको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए यूथ को कि अच्छा मैसेज जाए, अच्छा मैसेज हो. वो तो कोई न्यू कमर हो तो चलो भैया आपने ये सब शूट कर लिया, समझ में आता है. इतना स्टेब्लिश स्टार है तो उसको अच्छा मैसेज देना चाहिए. थैंक यू. अच्छा, अच्छा संगल से एक, अच्छा ये टॉपिक छोड़ के भी हम आपको क्या, आप दोनों को म्यूजिक वीडियो में किस में देखना चाहेंगे? दिख सकते हैं लगता है हम दोनों म्यूजिक वीडियो कर पाएंगे. सर क्यों नहीं कर सकते, सब कर रहे. तो आप, हम दोनों इतने पोल्स अपार्ट है कि हमने शादी कर ली, वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट. करना चाहिए फिर भी इसके लिए कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे. अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, बड़ा बेहतर करेंगे. सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट रणवीर सिंह के इशू को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए. बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं जो एड्रेस करने चाहिए भारत के इंटेलेक्चुअल्स को और भारत के बुद्धिजीवी को. बट इनकी राय इनको, इन्होंने बताई. थैंक यू भैया. मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी भी काम में गलती, देखो हमारे से भी हो सकती है, बट इज ए नाइस ह्यूमन बीइंग. नेशन फर्स्ट होना चाहिए हर चीज़ में, एक अच्छा मैसेज होना चाहिए. अरे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी अभी आ रही है, 1,000 करोड़ के आदमी गुटखा बेचते, तंबाकू बेचते, व्हाट इज दिस? गलत है, नहीं गलत है, गलत है. तो जो भी सोसाइटी के लिए यूथ को गलत कर रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, उन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे वो दूसरा है, चाहे तीसरा है. हमने गलतियाँ की हैं तो उसकी माफ़ी होनी चाहिए. जिन्होंने गुटखा बेचा उसके ऊपर FIR हुई? नहीं नहीं, उनके ऊपर नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? गुटखा बेचना इज गलत, नो, इट इज, इट्स बैड फॉर द हेल्थ ऑफ द यंगस्टर्स. वो डिफरेंट है. नो, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स द सेम थिंग. यू आर सेइंग कि ये चीज हेल्थ खराब करती है बच्चों की, या रॉन्ग मैसेज सोच देती है. तो गुटखा बेचना इज सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज. तो वो है, कोई कोई माता पिता दायर करेगा तब. आपने हमारी लड़ाई कर ली, ध्यान दो. नई लाइफ के लिए मुबारक आई जी. संग्राम भाई मुबारक हो. मुबारक हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और दुआ करो, सब खुश रहो, खुशियाँ दो. गॉड ब्लेस ऑल. संग्राम भाई लड़िए मत कंट्रोवर्सी को लेके. आई लव रणवीर सिंह, आई लव एवरीवन. मगर क्या है कि यूथ को या देश को जो गलत मैसेज आता है, बराबर सही बात है. चाहे मैं, मेरे से गलतियाँ हुई जब मैं स्टार्टिंग में आया, किसी PR ने बोला पेटा के लिए शूट कर दो, ये शूट कर दो, बाद में समझ आता है चीज़ गलत होती है. ये तो बहुत समझदार है, बड़े स्टार हैं. थैंक यू.